नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सरार और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जी हां, आपको बता दें, जहां एक योगी सरकार अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर में सफेद पोशाक पहनने वाले कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिनकी मदद से फर्जी मेडिकल तैयार किए जाते हैं। पूरा मामला यूपी के सहारनपुर स्थित जिला अस्पताल का है। इस तरह फर्जी मेडिकल तैयार कर झूठी घटनाओं में मेडिकल के आधार पर धाराएं बढ़ाने के काम बेखौफ रूप से किया जाता है। सहारनपुर की जनकपुरी पुलिस ने गिरोह का एक आरोपी जिसका नाम फरचंद है, एसिड अटैक की झूठी घटना बनाकर फर्जी मेडिकल के आधार पर इस तरह के झूठे मुकदमे कायम कराने का काम किया करता था। मामले की जांच भी चालू है, जिससे जिला अस्पताल के कई बड़े डॉक्टर्स भी शामिल हैं। सहारनपुर से मनोज सक्सेना की यह खास रिपोर्ट। एसपीटी सर, ये जो क्या मामला है, किस तरह से आप लोगों ने एक बड़े मामले को पकड़ा, ये कैसे कैसे इसका क्या है? जी, एसएसपी सहारनपुर सर के कुशल पर्यवेक्षण में ये जनकपुरी टीम ने और एसओजी टीम ने एक स्कैम का अनावरण किया है। यह स्कैम इस तरह चल रहा है कि इसमें फर्जी मेडिकल बनाए जाते हैं अपने सरकारी अस्पताल से ही। इसमें से जो आज अभियुक्त हम जिसको गिरफ्तार करके भेज रहे हैं, ये फर्जन है इसका नाम, और ये दलाली का काम करता था। ये वकीलों के संपर्क में रहता था और कुछ कॉन्टैक्ट इसके एसबीडी अस्पताल में बड़े बड़े डॉक्टरों से भी थे, जो उसके कहने पर गलत मेडिकल बनाया करते थे। उसके आधार पर जिससे धारा बढ़ जाए या दूसरे पक्षों में दोनों पक्षों के बीच में किसी तरह का समझौता हो जाए, उसको ध्यान रखते हुए फर्जी मेडिकल बनाया करते थे, और उसी में हम इसको आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर, डॉक्टर बीडी शर्मा का क्या रोल है? जी हाँ, अभी पूछताछ में जब इससे बात करी है फर्जन से, तो उसमें पूछताछ में कुछ हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि यह बीडी शर्मा के संपर्क में रहता था। वो वहाँ पे जब इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के रूप में बैठते थे, तो उनके द्वारा फर्जी मेडिकल कराए गए हैं। उसी साक्ष्यों की अभी गहनता से छानबीन हो रही है, उन्हें वेरीफाई कराया जा रहा है। उनके साथ साथ कई और डॉक्टरों के भी नाम इसमें सामने आ रहे हैं, तो उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर और जो हमारी जाँच जब हम करेंगे गहनता से, जो अगर उसमें जो भी साक्ष्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर हम आगे इसमें गिरफ्तारी करेंगे। सर, प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो अब तक इनके द्वारा कितने फर्जी मेडिकल बनाए गए होंगे? क्योंकि फर्जी मेडिकल बनवाना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी का जीवन खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जेल चला जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा है। मैंने इससे पूछताछ जब करी, तो इसमें इसने बताया कि पिछले 3-3.5 साल से ये डॉक्टरों के संपर्क में था। औसतन इसके द्वारा बताया गया कि 30-40 मेडिकल इसने बनवाए गए हैं। इसके फ़ोन से कुछ रिकॉर्डिंग्स मिली हैं, उसका हम इस टाइम पर विश्लेषण करा रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। तो जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे, उन केसेस में भी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कीमत होती थी फर्जी मेडिकल बनवाने की? डिपेंड करता है मेडिकल पर, किस तरह का मेडिकल बनना है, किस तरह की चोट बननी है, और सबसे बड़ी बात डिपेंड करता है उस पार्टी पर जो मेडिकल बनवाना चाहती है। उसी के आधार पर इनका प्राइस फिक्स किया जाता था। औसतन 50,000 से 60,000 रुपये में मेडिकल बनता था, जिसमें इसका कमीशन कुछ 5-10-15 हज़ार का रहता था। थैंक यू सर।